everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की एनालॉजी की क्लास करने वाले हैं बेटा. इसमें आज जो आज क्लास नंबर है वो आपका 24 है. इससे पहले हम ऑलरेडी 23 क्लासेस हम कर चुके हैं, तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा एक बार जाके गो थ्रू कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमने 128 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपका अभी लॉस तो नहीं हुआ है. एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आई थिंक आपका कवर अप हो जाएगा. एनालॉजी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस आए हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा. मगर ये है कि आपको सारी चीज़ें, सारे पैटर्न एनालॉजीज के, सारे टॉपिक्स के सारे पैटर्न्स मैं आपको क्लियर करवाऊँगी. स्टार्ट करते हैं वो क्लास 129 क्वेश्चन है आज. योर क्वेश्चन इज एलिवेटर्स रिलेटेड टू एग्जॉल्टेड. ये रेलवे में पूछा गया है. अगर आपका एलिवेटेड एग्जॉल्टेड से रिलेट कर रहा है तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऐसा रिलेशन है, जैसे कि ये जिस तरह से रिलेट करें वैसे ये भी रिलेट करेंगे. तो योर ऑप्शन विल बी डर्टी रिलेटेड टू फिल्दी एंड द बी ऑप्शन इज प्रमोटेड रिलेटेड टू एक्सलेंस. आपको बताना एलिवेटेड जैसे एग्जॉल्टेड से रिलेट है वैसे ही यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा रिलेट करेगा. या योर आंसर विल बी डर्टी एंड द फिल्दी. प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट जो भी हम वीडियोस डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करो, सो दैट लाइक करोगे शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचेगा. योर सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ योर 130th क्वेश्चन दैट बैडमिंटन इज रिलेटेड टू कोर्ट. अगर बैडमिंटन आपका कोर्ट से रिलेट करता है, ये UDC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, देन योर ऑप्शन विल बी हॉकी एंड स्टिक एंड स्केटिंग एंड रिंक. तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ऐसा रिलेट कर रहा है जैसे बैडमिंटन से कोर्ट, जैसे बैडमिंटन आपको पता है कोर्ट में खेला जाता है, तो आपको बताना हॉकी स्टिक से खेला, स्टिक में खेला जाता है या स्केटिंग रिंक में करा जाता है. तो यू हैव टू टेल दैट आंसर एंड योर आंसर विल बी द स्केटिंग एंड रिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 131 क्वेश्चन दैट कैट इज रिलेटेड टू माउस. जैसा कि आपको पता है कैट माउस को खाता है, तो ये CBI का क्वेश्चन है. अब आपको ऐसे ही बताना, ऑप्शन ए है आपका बर्ड वॉर्म एंड B is your trap and cheese. Yeah, your answer will be the bird and worm. Please एक बार go through सारे questions को करो, because सारे questions ही important है, तो आपका सारे question का cover up हो जाएगा. Your next question that is 132 question that is shield is related to soldier. अगर shield relates soldier से relate कर रहा है, ये hotel management का question में पूछा गया था. Option A is law and court. B is helmet and rider. जैसा कि आपको पता है कि सोल्जर के पास शील्ड होती है बचने के लिए, तो ऐसे ही आपको बताना है कोर्ट में लॉ होता है कि राइडर हेलमेट पहनता है, वो आपको बताना है. तो ना ऑब्वियस ही बात है हेलमेट रेशो दैट राइडर. 133rd क्वेश्चन में फिश शोल से रिलेट कर रहा है. MBA का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. ऑप्शन ए इज शार्क एंड स्कूल, बी इज वेल एंड हर्ड. आंसर विल बी शार्क एंड स्कूल. 134 क्वेश्चन ट्रैफिक रिलेटेड टू रोड SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ए है रूट्स एंड ट्रीज, बी इज ब्लड एंड वेन. ट्रैफिक जैसे रूट को रोड को रिलेट करता है, ऐसे ब्लड हमारा वेन को रिलेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 135 क्वेश्चन स्प्रेन इज रिलेटेड टू फ्रैक्चर. ये कैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन ए है एक्साइटमेंट फ्रेंसी या फिर स्लीप ड्रीम. ऑफकोर्स योर आंसर विल बी एक्साइटमेंट एंड फ्रेंसी. क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 136 प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू ट्रेन. जैसा कि आपको पता है ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे आती है. ये आपका क्वेश्चन पेपर MBA का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. सो योर ऑप्शन विल बी द होटल टूरिस्ट एंड द क्वेयर शिप. तो ऑब्वियस सी बात है योर आंसर विल बी क्वेयर शिप. नेक्स्ट क्वेश्चन वेट इज रिलेटेड टू किलोग्राम. जैसा कि आपको पता है वेट किलोग्राम में नापा जाता है. ये मैट का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन ए है डिस्टेंस किलोमीटर, बी इज योर साउंड एंड आवर्स, सेकेंड्स एंड आवर्स सॉरी. तो वेट पहले है, वेट और यूनिट जिसमें यूनिट है वो बाद में है. तो यहाँ पे डिस्टेंस पहले है, यूनिट बाद में. यहाँ पे यूनिट पहले है, डिस्टेंस बाद. विद रिस्पेक्ट किसके नापा जाता है वो बाद में. तो ऑब्वियस बात है योर आंसर विल बी दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 138 क्वेश्चन चेयर्स इज रिलेटेड टू कारपेंटर. तो जैसा कि पता है कारपेंटर चेयर बनाता है अगर वो वुड की है. तो रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन ए इज ग्रास एंड गार्डनर एंड ब्रिज एंड इंजीनियर. तो ऑब्वियस बात है इंजीनियर जो है वो ब्रिज बनाता है, गार्डनर तो ग्रास को वो करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कूल
कोल्ड से रिलेट करता है मैट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन ए है प्रिटी ब्यूटीफुल, बी इज लेंथ एंड विड्थ. योर आंसर विल बी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल. 140th क्वेश्चन दैट इज साउंड एंड मफल्ड इज रिलेटेड. साउंड इज रिलेटेड टू मफल्ड. SCRA का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन ए इज मॉइस्चर एंड ह्यूमिड, बी इज योर कलर एंड फेडेड. आंसर विल बी कलर एंड फेडेड. 141 ह्यूमैनिटेरियंस रिलेटेड टू एल्ट्रुइस्टिक्स द मैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ए इज योर होस्ट एंड हॉस्पिटेबल, बी इज आर्टिस्ट एंड इमिटेशन. आंसर विल बी होस्ट एंड हॉस्पिटेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 142. फ्यूरी इज रिलेटेड टू IRA दैट इज इन रेलवे. ए ऑप्शन इज जोक एंड लाफ, बी इज योर कन्वुल्जन एंड स्पैजन. योर आंसर विल बी कन्वुल्जन एंड स्पैजन. क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.